क्या सोच रहे हो? तुम्हारे आने से दोबारा जिंदगी में जो खुशी बहार बन के आई है, डरती हूँ कि कहीं फिर से छीन न जाए। नहीं कविता, अब ऐसा नहीं होगा। हम अपने अतीत को भूलकर एक नई दुनिया में कदम रखेंगे। तुम अपनी नौकरी से रिजाइन कर दो, मैं कल ही आनंद को तुम्हारे अंकल के पास शादी की बात करने भेजता हूँ। सच? मुझे उनसे शादी की बात करनी है। शादी की बात? यस। क्या बात है बनारसी? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब, ये आपसे शादी की बात करने आए हैं। शादी की बात? बनारसी जी साहब, ये बंदूक ले जाओ और सुनो जी साहब, इनके लिए एक ठंडा ग्लास लस्सी का ले आओ, पंजाब रेजिमेंट। जी साहब। आइए चलिए, यहाँ से यहाँ से। अब आप ये बताइए कि आप लड़की के लगते क्या? लड़की? अच्छा खैर, कुछ भी लगते हो, एक बात आप गौर से सुन लीजिए। मैं लड़की को देखे बगैर, पसंद किए बगैर ये शादी की बात पक्की नहीं करूंगा। बात क्या है? बात क्या है मिस्टर देवानंद? आनंद मंगेशकर, बात क्या है आप सुन लीजिए। लड़की देखने में कैसी है? पढ़ी लिखी है कि नहीं? घर का कामकाज जानती है कि नहीं? आफ्टर ऑल मैं भी जो हूँ आर्मी का एक्स मेजर सर्जन हूँ। आर्मी मुझसे रिश्ता तोड़ चुकी है, लेकिन मैं भी जवान हूँ, हैंडसम हूँ। लगता है आपके घर में आईना नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप अपने आप को आईने में देखकर अपनी शादी की बात नहीं करते। बनारसी, अब लस्सी, लस्सी ले जाओ, बंदूक ले आओ, बंदूक। देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक लेखक हूँ, मेरा दिल बहुत नाजुक है, आपने ये बंदूक क्यों मंगवाई? इसलिए कि तुमने एक मिलिट्री मैन की तौहीन की, और किसी भी मिलिट्री मैन की तौहीन करना देश के गौरव की तौहीन करना है, इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप अपने आप को किसी इम्पोर्टेंट आईने में देखते तो आपको और पता चलता आप कितने हैंडसम और जवान हो। कोई भी लड़की आपके साथ शादी करके अपने आप को खुशकिस्मत समझती। अच्छा? हाँ, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कोई बहन या बेटी है ही नहीं। तो फिर तुम किसकी शादी की बात किए जा रहे हो? मैं तो सागर और कविता की। ओहो, तो पहले क्यों नहीं बताया? सागर तो बहुत ही अच्छा लड़का है, और कविता और मुझे दोनों को बहुत पसंद है। साहब बंदूक, बंदूक कैंसिल, लस्सी ले आओ। जी साहब। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझो? हाँ पक्का पक्का पक्का। आइए बैठिए बैठिए। तुझे तो सागर के बारे में मालूम है, बस आता ही होगा। लो आ भी गया। राकेश सागर, ओ मेरा दोस्त, मेरे बचपन के यार। कैसा है तू? कहाँ है तू? अरे कल रात को यार। अच्छा, और सुबह तुझसे मिलने चला यार, खबर भी नहीं की, फोन तो कर लेता। हाँ। सागर, मेरी जरा म्यूजिक कंपनी वालों के साथ मीटिंग है, पैसा वसूल करना। हाँ, तू जा। हाँ? अरे तू बैठ बैठ यार, सालों बाद तो आया तू, फिट लग रहा बिल्कुल बस। और तू सुना, शिपिंग में है ना तू? अरे वही पुराना। अरे वही, शादी की नहीं? बस उसी इरादे से आया सागर। अच्छा, तू सुना, तूने शादी की कि नहीं? सोच रहा हूँ बस, घर बसाई। अच्छा, एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ जी, बोल रहा हूँ। आज शाम ना? मिलता हूँ शाम को। सॉरी यार, वो कविता। आओ आओ मिलो मेरे यार से, ये राकेश लंदन से आया है, और ये मेरी नहीं तेरी होने वाली भाभी। कैसी लगी हमारी पसंद? किस्मत वाले हो तुम। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या बात कर रहा है यार, अभी तो तू आया, हम सब साथ में खाना खाएंगे, गपशप मारेंगे, फिर कभी। घर पे पापा इंतजार कर रहे होंगे, उनके साथ कहीं बाहर जाना है। श्योर, वेरी श्योर, चलता हूँ। आई जस्ट लीव देम। मैं राकेश बोल रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब बात करने को बचा ही क्या है? प्लीज कविता, मेरी बात तो सुनो। राकेश, हमारे रिश्ते पर वक्त की राख जम चुकी है, अब अगर उसे हवा दोगे तो राख ही उड़ेगी। क्या आज मेरा तुम पर इतना हक नहीं रहा कि मैं तुमसे बात कर सकूं? ये हक बहुत पहले खो चुके हैं आप।
मैंने कह दिया ना मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे क्या बात है कविता, मैं सागर बोल रहा हूँ। कमाल है, ऊपर बादल गरज रहे हैं, नीचे तुम गरज रही हो, खराब मूड में हो। नहीं तो वो क्या है कि बार बार रॉन्ग नंबर आ रहा था ना। बंबई की टेलीफोन की यही तो खराबी है, रॉन्ग नंबर जल्दी से लग जाते हैं, सही लाइन कभी नहीं मिलती। पर तैयार है ना, मैं शाम को तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अरे अरे आज शाम मेरा कैसेट रिलीज है, याद नहीं? कंग्रेचुलेशंस। आपको भी। मैं तुम्हें 8 बजे पिकअप कर लूंगा। ओके बाय। काका। हाँ बिटिया। अंकल आया तो कहना मैं सागर साहब के साथ पार्टी में गई हूँ। मगर बिटिया इतनी बरसात में, मुझे तो लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कविता, कविता मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मगर मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी। सिर्फ आज मेरी बात सुन लो कविता, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। मेरे दिल पर एक बोझ है जो तुम्हें बताकर हल्का हो जाएगा। प्लीज कविता, तुम्हें याद है वो दिन जिस दिन मैं तुमसे मिलकर डैडी मम्मी से शादी की बात करने गया था? राकेश, ये कहने से पहले हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। कैंसर है तुम्हारी मां को, ब्लड कैंसर, उनका तो ख्याल किया होता। तुम्हारी शादी कविता से तो क्या किसी हूर से भी नहीं हो सकती। इस घर में सिर्फ धर्मराज की बेटी बहू बनकर आएगी, जिनकी एहसानों की बदौलत हम इस छत के नीचे खड़े हैं। जानता हूं डैडी, लेकिन कविता को मैं शादी का वचन दे चुका हूं। वचन तो हम भी दे चुके हैं। मेरी शादी तय करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। वाह राकेश वाह, अब किसी काम करने से पहले हमें तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी, तुम्हारे जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। इसमें इजाजत वाली कोई बात नहीं है डैडी, मेरी जिंदगी का सवाल है, और मेरा अपना भी तो कोई फैसला हो सकता है। ओफो, ये तो हम भूल ही गए थे कि तुम अब बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो राकेश, इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। रणवीर सिंह मर सकता है लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मेरी रगों में भी आप ही का खून है डैडी, मैं भी अपना वचन तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। रहे हो ना तो जाओ, कविता के साथ शादी के फेरे लगाना चाहते हो ना तो लगा लो, लेकिन मेरी चिता के फेरे लगाने के बाद। माँ, माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा, जब तेरे डैडी ही नहीं रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? नहीं माँ, ऐसा मत कह, मैं तुझे खोना नहीं चाहता माँ। तो फिर छोड़ दे अपनी ये जिद, भूल जा उस लड़की को, बचा ले अपनी माँ का सिंदूर। तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। वचन दे अपनी माँ को। हाँ, मैं वचन देता हूँ। डैडी की बात मानेगा? हाँ माँ। तुम ही बताओ मैं क्या करता। मेरे सामने दो ही रास्ते थे कविता, अपनी मां की मांग उजाड़ देता या तुम्हारी मांग सचा देता। हालात का हो या मजबूरी या फिर तकदीर, मैंने तुम्हें खो दिया है कविता, मैंने तुम्हें खो दिया है। अपने बाप की चिता के फेरे लगाकर ही मैं तुम्हें पा सकता था। बताओ कविता, बताओ
मैंने सही किया या गलत? तुमने अपना फर्ज निभाया और मैंने अपनी किस्मत का लिखा भुगता। खैर, मुझे खुशी है कि तुम्हारी जिंदगी में सागर आ गया। वो बहुत अच्छा लड़का है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम दोनों पर जमाने भर की खुशियां न्योछावर कर दे और यहां तक कि मेरी भी तमाम खुशियां तुम्हारे दामन में डाल दे। सुरेश, अरे डॉक्टर रसोई आओ। अबा यार तू बड़ा बदतमीज हो गया। क्यों, क्या हुआ? कल मैंने तुम्हें कितने टेलीफोन किए और तुम डिस्पेंसरी से गायब। अरे यार वो मशहूर सिंगर है ना सागर, हाँ, कल रात अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ उसे? सिरोसिस ऑफ द लिवर। सिरोसिस? रसोई, मैंने उसे बहुत समझाया कि शराब उसके लिए जहर है लेकिन नहीं नहीं माना, फिर से पीनी शुरू कर दी। डॉक्टर सुरेश, मिस्टर सागर की रिपोर्ट देखने के बाद मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज परफेक्टली ऑलराइट। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि सागर दोबारा शराब को हाथ तक न लगाए। यस डॉक्टर। ये उसकी रिपोर्ट। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। शराब पीनी शुरू कर दी तो इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था कि शराब कभी नहीं पियोगे और तुमने उसे यकीन कर लिया। अरे माय डियर, मैंने तो तुमसे प्यार करने का वादा भी किया है, शादी करने का भी वादा किया है, तो तुमने उसे भी सच मान लिया होगा। सागर, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर से ये शराब बोल रही है। शराब पीकर आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। अभी दुनिया में ऐसी कोई कविता नहीं बनी जिससे आदमी जिंदगी भर पढ़ता रहे। मैडम, मेरा नाम सागर है, सागर जिस पर हिंदुस्तान की लाखों हसीनाएं अपना दिल लुटाती हैं। सागर के सीने में कोई एक मछली नहीं, हजारों मछलियां रहती हैं। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मुझे क्यों फंसाया। इसलिए फंसाया कि तुम एक स्टार की बीवी कहला सको, इस घर की मालकिन बन सको, मेरी दौलत पर कब्जा कर सको। आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है?